एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर के दो छात्रों ने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र जागेश चौरसिया ने टॉप 10 सूची में 7वां स्थान हासिल किया है। वहीं इसी स्कूल में पढ़ने वाले विकास द्विवेदी ने जीव विज्ञान में एमपी में पहला स्थान हासिल किया है। दोनों की सफलता से उनके माता पिता और गुरुजन बहुत खुश हैं। स्कूल के प्राचार्य ने बच्चों को कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसका श्रेय अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने भाई बहनों को तथा अपने सभी उन चाहने वालों को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ और इसी के परिणाम स्वरूप मेरा प्रदेश में पहला स्थान। बहुत गर्व की बात है और बहुत प्रसन्नता है। संस्था का नाम रोशन किया उसने, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और हमारे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जिसमें हम संस्था परिवार बहुत ही प्रसन्न हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।